यार एक काम करो, 500 का ही डाल दो। क्यों बार बार रेडियो स्टेशन चेंज कर रहे हो? कब से कोशिश कर रही हूँ कि अच्छा गाना लगाऊं, लेकिन हर स्टेशन पर भाजपा सरकार के विज्ञापन खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। वो देखो, पेट्रोल सेंचुरी मार रहा है, वो गैस सिलेंडर 900 के ऊपर पहुंच गया, और ये भाई साहब यहाँ खड़े खड़े बस मुस्कुरा रहे हैं। बार बार स्टेशन चेंज करने से कुछ नहीं होगा, इस बार एक काम करते हैं, ये विज्ञापन वाली भाजपा सरकार ही चेंज कर देते हैं। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। मच्छरों का प्रकोप पूरे देश में बढ़ता जा रहा है। मच्छरों के काटने से होने वाला जीका बुखार मध्य प्रदेश में भी बहुत तेजी से फैल रहा है। राजधानी भोपाल में कई मरीजों की जीका रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसे देखते हुए प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि जीका वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है, वायरस का इलाज हमारे पास पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भोपाल में जीका बुखार के 50 संदिग्ध मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनमें भोपाल के 24 मरीज हैं, जिनके सैंपल पिछले दिनों जांच के लिए भेजे गए थे। इससे भोपाल में जीका पॉजिटिव मरीजों की संख्या 5 से बढ़कर 29 हो गई है, जबकि प्रदेश में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 35 से बढ़कर 85 हो गया है। एम्स भोपाल से एक ही दिन में 50 मरीजों की रिपोर्ट जीका पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। वहीं दूसरी ओर शनिवार को मुख्य सचिव बीपी सिंह ने स्वास्थ्य विभाग के अफसरों को जीका की समीक्षा रोजाना करने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य संचालनालय के अफसरों ने बताया कि प्रदेश के भोपाल, सीहोर और विदिशा से कुल 204 मरीजों के ब्लड जीका जांच के अब तक भेजे जा चुके हैं। इनमें से 85 सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अफसरों ने बताया कि भोपाल में गोविंदपुरा, चारिमली, अवधपुरी, कोलार और ईश्वरनगर सहित दूसरे क्षेत्रों से कुल 60 मरीजों में जीका बुखार के लक्षण मिले थे, जिनमें से 29 पॉजिटिव निकले हैं। इनमें 5 गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं। जीका प्रभावित कॉलोनियों में सभी गर्भवती महिलाओं की निगरानी स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव गौरी सिंह ने बताया कि जीका प्रभावित इलाकों में रह रही गर्भवती महिलाओं की निगरानी की जा रही है। इनमें वो महिलाएं शामिल हैं जिनको 3 महीने की प्रेगनेंसी है। उन्होंने बताया कि इसके लिए शहरी क्षेत्रों में आशा और ऊषा कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगा दी गई है। जीका से लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को तेज बुखार आया है और उसकी जाँच जरूर कर दें। जीका बुखार के चलते किसी व्यक्ति की मौत नहीं होती है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। यार एक काम करो, 500 का ही डाल दो। क्यों बार बार रेडियो स्टेशन चेंज कर रहे हो? कब से कोशिश कर रही हूँ कि अच्छा गाना लगाऊं, लेकिन हर स्टेशन पर भाजपा सरकार के विज्ञापन खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। वो देखो, पेट्रोल सेंचुरी मार रहा है, वो गैस सिलेंडर 900 के ऊपर पहुँच गया, और ये भाई साहब यहाँ खड़े खड़े बस मुस्कुरा रहे हैं। बार बार स्टेशन चेंज करने से कुछ नहीं होगा, इस बार एक काम करते हैं, ये विज्ञापन वाली भाजपा सरकार ही चेंज कर देते हैं। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। सरकार है।
पुकारे दिल से, वक्त है बदलाव का। एमपी पुकारे दिल से, वक्त है बदलाव का। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का।